हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कुछ ऐसी खबरें जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है जी हाँ दोस्तों सबसे पहले हम बताएंगे आपको कोरोना अपडेट्स के बारे में कि इस समय भारत देश में कितने कोरोना के जो है नए मामले देखने को मिल चुके हैं और वर्ल्ड वाइड पर यानी कि पूरी दुनिया में कितने लोग अभी तक इससे संक्रमित हो चुके हैं अगली हाईलाइट्स में देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी पाँच नई योजनाओं की घोषणा की है जी जिया दोस्तों जिसका फायदा आपको मिलने वाला है बात करते हैं अगली खबर की तरफ में जी जिया दोस्तों प्रवासी मजदूरों को मिलेगा घर बैठे पैसा जी जिया दोस्तों कैसे मिलेगा क्या करना होगा ये भी बताएंगे इस वीडियो के अंदर साथ ही दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं जी जिया दोस्तों कब से होगी आपके एग्जाम्स जिया दोस्तों इसको भी देखेंगे हम विस्तार से इस खबर को साथ ही दोस्तों टी डीओ का टहर जिया दोस्तों किन किन राज्यों से होकर गुजर चुका है और उनके द्वारा होने वाली फसलों का नुकसान सरकार देगी या नहीं देगी इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से जी जिया दोस्तों खेल जगत से जुड़ी हुई सारी खबरों को हम देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत तो दोस्तों अगर अभी तक आपको भी जी दोस्तों सरकार द्वारा भेजे गए पैसे आपके खाते में नहीं मिले तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको जो है कि एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपको सरकार द्वारा भेजे गए सभी पैसे यानी कि तीन महीने के जो भी पैसे आपके बनते हैं वो सारे पैसे आपके खाते में डाल दिए जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कोरोना अपडेट्स को लेकर जी हाँ दोस्तों जैसे पहले मैं आपको बता दू पहले दुनिया का बताता हूं आपको पूरी दुनिया में इस समय जी दोस्तों वर्ल्ड वाइड पर 5.87 मिलियन यानी लगभग अट्ठावन लाख लोग जो हैं इस भयंकर बीमारी से संक्रमित है जिया दोस्तों ये अब तक की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक बीमारी है जिसके संक्रमित से जिया दोस्तों अट्ठावन लाख लोग संक्रमित है और बात करें अभी तक इस बीमारी से ठीक होने के लिए पूरी दुनिया में तो अभी तक छब्बीस लाख लोग जो हैं ठीक भी हो चुके हैं जिया दोस्तों एक अच्छी खबर है और बात करें अभी तक की जो इनकी वजह से जिया दोस्तों कोरोना की वजह से मरने वालों की जो संख्या है वो है तीन लाख बासठ हजार लोग जिया दोस्तों अब तक की किसी भी बीमारी में इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ नहीं मरे जितना कोरोना की वजह से मरे थे अब बात करते हैं भारत देश में जी हाँ दोस्तों भारत में अभी तक इसके टोटल मामले जी जिया दोस्तों एक लाख छाछठ हजार पहुंच चुके हैं बात करें अगर ठीक होने की संख्या में तो ठीक होने की संख्या भी काफी अच्छी है क्योंकि एक लाख छाछठ हजार में इकहत्तर हजार लोग ठीक हो चुके हैं और बात करें इस भयंकर बीमारी की वजह से मरनों की संख्या में तो भारत में अभी तक चार लोग जी हाँ दोस्तों अभी तक मर चुके हैं इस भयंकर बीमारी से आप ये वीडियो जब तक देख रहे हो सकता है इसके आंकड़े और भी बढ़ चुके हैं तो चलते हैं अगली खबर की तरफ जी हाँ दोस्तों इस समय टीटीओ का कहर इस समय पूरी दुनिया में फैला हुआ है जी हाँ दोस्तों भारत में जो है बहुत तेजी से जो है टिडियों जो है फसलों पर आती हैं और फसलों को तहस नहस कर दे रही हैं। इनकी रफ्तार लगभग 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है जी हाँ दोस्तों और इस समय उत्तर प्रदेश से होते हुए ये उत्तर भारत से मध्य प्रदेश में देखा देने को मिल रही है जी दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने तो यहाँ तक की घोषणा कर दी है कि टी के वजह से जी हाँ जो जिनकी फसलें का जो है भारी नुकसान होगा उनका एक सर्वे किया जाएगा और सर्वे के अनुसार के अनुसार उनके जो है पूरा पैसा दिया जाएगा जी हाँ दोस्तों यानी आपकी जितनी फसलें नुकसान होगी उन सारा पैसा आपको सरकार के द्वारा दे दिया जाएगा बात करते हैं अगली खबर की तरफ इस समय भारत और चीन के बीच युद्ध का जो है माहौल बहुत गरमाया हुआ है जी दोस्तों सैटेलाइट की तस्वीरों से यह सामने आ चुका है कि चीन की सेना इस समय भारतीय बॉर्डर के आसपास मंडरा रही है जी दोस्तों ये काफी जो है इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है नेपाल ने भी भारत को काफी कुछ कह चुके हैं और ये सारी वजह है चीन का भारत के खिलाफ जो इस समय युद्ध की तैयारी करना है जी दोस्तों अभी तक जो है इसके ऊपर सभी जो है रक्षा विशेषज्ञों ने अपनी राय दे दी कि भारत की फौजें भी तैयार है अगर चीन ने इस बार भी उन्नीस वाली घटना को दोहराया तो इस बार उसे काफी खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसी बीच दोनों देश के बीच मध्यस्थता करने के लिए जिया दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जो है सुलह करा सकते हैं तो दोस्तों देखते हैं कि भारत और चीन के बीच अगर युद्ध होता है तो रूस किस तरफ जाएगा जिया दोस्तों भारत का सबसे अच्छा दोस्त अगर कोई है तो वो है रूस जो हमेशा भारत की मदद करता है किसी भी युद्ध में फिलहाल जो है अभी इसके ऊपर जो है बात चर्चा हो रही है उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो और सभी देश जिया दोस्तों इसको जो है बातचीत से सॉल्व कर सके बात करते हैं अगली खबर की तरफ जिया दोस्तों अगले सबसे बड़ी खबर है भारत की आर्थिक दृष्टि जो है दिन का दिन जो है गिरती जा रही है पिछले वित्त वर्ष के अनुसार ने पांच नई योजनाएं निकाली है जिनका लाभ आप सभी को जो है मिलने वाला है जिया दोस्तों इनका लाभ आपको मिलेगा लोन के माध्यम से अगर आपने किसी भी प्रकार का लोन लेना है और कोई भी उद्योग धंधा शुरू करना है तो आप आसानी के साथ ले सकते हैं जिया दोस्तों और इसी बीच जो है यूके बैंक जी हां दोस्तों अगर आपने यूके बैंक से किसी भी प्रकार का लोन लिया है चाहे वो घर का लोन हो चाहे आपके कार का लोन हो चाहे आपके पर्सनल लोन है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि यूके बैंक ने अपना जो है रेट गिरा दिया जीरो पॉइंट फोर परसेंट का जो है रेट गिरा दिया अब जो है इनकी रेट है वो सिक्स की तो यहाँ पे काफी अच्छा था आपको जो है फायदा होगा अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो दो हज़ार रुपये सभी के खाते में डालने की जो बात कही थी वो जो है काफ़ी लोगों के खाते में अभी तक नहीं पहुँची जी दोस्तों अगर आपके खाते में भी पैसे नहीं पहुंचे तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा जी जिया दोस्तों हम सभी की मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं और आपको बताएंगे कैसे आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है ताकि आपको आसानी से पैसे मिल जाए बात करते हैं अगली सबसे बड़ी खबर आ रही उत्तर प्रदेश से जी जिया दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया है कि उनके यहाँ पे तमाम मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होगा जहले और रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही उन्हें जो है काम के लिए आगे प्रोत्साहन दिया जाएगा जी दोस्तों पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा जितने भी प्रवासी मजदूर यूपी जा चुके यानी उत्तर प्रदेश में जा चुके उन सभी का जो एक बार रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन होगा और करने के बाद ही आपको जो है रोजगार की सुविधा मुहैया कराई जाएगी तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि आप सभी लोग अपना अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप जल्द से जल्द जाइए और आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराइए ताकि सरकार के पास ये आंकड़े पहुंच सके कि कितने मजदूर हैं और कहां पर हैं जी हाँ दोस्तों अभी तक भारत में टोटल अड़तालीस करोड़ लोग जो है टोटल मजदूरों की संख्या बताई गई थी जिसमें

शिक्षा जगत ने साफ साफ कह दिया है कि 20 दिन पहले वो नोटिस दे, दे देंगे जब भी उनका एग्जाम लेना होगा फिलहाल अभी एग्जाम्स को लेने और ना लेने में काफी जो है राजनीति चल रही है जी हाँ दोस्तों काफी लोगों का कहना है कि एग्जाम्स को कैंसिल कर देना चाहिए क्योंकि इस समय हालात ऐसे ठीक नहीं है कि स्कूल कॉलेजेस को खोला जाए और इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ सकता है बच्चों पर काफी लोगों ने ऐसा कहा है ट्विटर हैंडल पर कमेंट करके कि क्यों ना पहले राज्यसभा विधानसभा खोली जाए सबसे पहले स्कूल क्यों खोले जा रहे हैं बच्चों की जीवन क्या जरूरी नहीं है इस सारी चीजों पर बहस चल रहा है फिलहाल अभी तक इसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं है कि फाइनल एग्जाम होगा या नहीं होगा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ गृह मंत्रालय की तरफ से खबर आ चुकी है कि लॉकडाउन 5.0 हो सकता है और नहीं भी हो सकता अभी तक जो है गृह मंत्रालय तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात चल रही है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए तो फिलहाल अभी तक केंद्र सरकार द्वारा कोई भी लॉकडाउन को बढ़ाने की कोई भी पुष्टि नहीं आई है फिलहाल सबसे पहले जो है लॉकडाउन फाइव की शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर दी है जी जिया दोस्तों हिमाचल प्रदेश में आपको तीस जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है बात करते हैं अगली खबर की तरफ जी जिया दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया है की एक जून से वो सभी धार्मिक स्थलों को खोलेगी जी दोस्तों सबसे पहले मंदिरों को और मस्जिदों को और सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्णय जो है कर्नाटका सरकार ने लिया था जी दोस्तों उसके बाद से ही तमाम राज्यों ने जो है इसी रणनीति पे काम करना शुरुआत कर दी है और तमाम जो जो है को जो है को खोला जा रहा है जी दोस्तों सभी जगह जो है मंदिरों में तैयारी हो चुकी है और सभी जगहों पर एक जून से आपको जो है सभी धार्मिक स्थल खुले हुए दिखाई देंगे बात करते हैं अगली खबर की तरफ रेलवे के बारे में जी जिया दोस्तों रेलवे मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया है कि वो अपने रजिस्ट्रेशन की जो बुकिंग जो संख्या थी वो बढ़ा दी है जिया दोस्तों यानी कि अब आप, आप रेलवे के टिकट सिर्फ टिकट काउंटर से ही नहीं कुछ प्राइवेट संस्थानों से भी ले सकते हैं जी जो है ये करा रही ताकि एक जाना चाहिए जी हाँ आप अपने इंटरनेट के माध्यम से जी दोस्तों आई की वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं और आपको एक दिन पहले तक की टिकट उपलब्ध करा दी जा रही है बात करें एक जून से तो जून से लगभग चार से ज्यादा जिया दोस्तों चार से ज्यादा ट्रेनें जो है पटरियों पर दौड़ेंगी और इन तमाम ट्रेनों में आप रजिस्ट्रेशन करा के जी दोस्तों आप इसमें जा सकते हैं बात करते अगली खबर की तरफ जी दोस्तों अगली सबसे बड़ी खबर आ रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बेरोजगारों के लिए सबसे पहले रोजगार मुहैया कराया जा जाए जी दोस्तों ये सबसे अच्छी खबर यह है कि देश में सबसे ज्यादा इस समय बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है काफी लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं इसलिए सरकार ने कहा है कि पहले बेरोजगारों को जो है नौकरियां दिया जाए ताकि उनका जीवन यापन हो और भारत फिर से अपनी रफ्तार पर कर ले जी हाँ दोस्तों सबसे जरूरी चीज ये है कि भारत की आर्थिक गतिविधियां सब रुक चुकी हैं काफी जो है नुकसान हो चुका है और उन सभी चीजों को जो है पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने कहा है की पहले बेरोजगारों को काम दिया जाना चाहिए काम देने के बाद ही जो है भारत जो है अपनी आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो पाएगा बात करते अगली खबर की तरफ जी हां दोस्तों अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है जितने भी ग्रीन जोन है जी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जितने भी ग्रीन जोन में जो भी एरिया या फिर जो भी शहर आते हैं उन तमाम जगहों पर एक जून से जो है सभी दुकानें खोल दी जाएंगी और सभी मजदूर अपने काम पर लौट सकेंगे जी हाँ दोस्तों प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो सभी जगहों पर जो है ऑफिसेस खोल दी जाएंगी और सब कुछ जो है पुनः वापस से अपने पटरी पर दौड़ने लगेगी बात करते हैं अब रेड जोन के बारे में जी हाँ दोस्तों जिन जिन शहरों में रेड जोन है यानी कि जिन जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण सबसे ज्यादा खतरा पाया जा रहा है वहां की तमाम राज्यों से जो है केंद्र सरकार ने कहा है कि वो फैसला ले सकते हैं कि उन्हें लॉकडाउन को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है यानी कि ये सारी जिंदगी जी, जो भी चीजें हैं वो फैसला जो है केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पर थोप दिया है यानी कि अब राज्य सरकार फैसला लेगी कि उन्हें कहाँ पर लॉकडाउन बढ़ाना है और कहाँ पर लॉकडाउन नहीं बढ़ाना है तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा जी हाँ दोस्तों हम आपके लेकर आते हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट खबरें सबसे पहले स्मार्ट नौकरी चैनल पर तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना